नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन तेजी से अपने पांव फैला रहा है और मौतों का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आप COVID-19 के नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। बता दें कि तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया पर 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए पहले से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू है तथा स्वास्थ्य केंद्र पर आधार कार्ड के साथ आने वाले सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की सुविधा दी जाएगी। आज भी अतरौलिया समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पर दूसरे डोज के लिए भी वैक्सीन लगाई जा रही थी। स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवा सिंह ने बताया कि 18 वर्ष के ऊपर जितने भी लोग हैं स्वास्थ्य केंद्र पर अपना आधार कार्ड लेकर आएंगे तो उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य केंद्र पर अलग अलग काउंटर बनाकर तथा ग्रामीण सेंटरों को भी इकट्ठी करते हुए रजिस्ट्रेशन और वैक्सीन लगाने का किया जाएगा। जितने भी लोग 18 साल के ऊपर के हैं वह लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। 18 साल लोगों का रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन है जी, जी कैसे होगा, किस नियम से होगा इसके लिए? अब इसमें तो 18 से ऊपर कर दिए हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो भी अपना आधार कार्ड लेके आएंगे 18 साल से ऊपर हैं सबको हम लगाएंगे। अपना सेशन साइट हमको बढ़ाना पड़ेगा और वैक्सीन भी जिले से हम लोग डिमांड किए हुए हैं। जैसे ही आता है हम अपना यहाँ काउंटर बना करके और गांव में भी हमारे 6 जगह सेंटर चल रहे थे उसको भी एक्टिवेट करेंगे और तुरंत रजिस्ट्रेशन तुरंत वैक्सीन लगेगी। इसको हम आपके चैनल के माध्यम से इसको है कि सब जितने भी 18 ईयर के अबव हैं सब लोग जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन क्या सर पहले से रजिस्ट्रेशन करा कराना पड़ेगा कि आप वो हाँ ओपन हुआ है साइट कोविन उप में कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो हम उसी साइट पे ही तुरंत ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, तुरंत टीका लगाएंगे। कोई सर एक दिन का कोई लक्ष्य है कितना लगाना है कितना नहीं लगाना है? अब जितना हमारे पास बेनिफिशियरी आएंगे हम उसको लगाने का पूरा प्रयास करेंगे, पर NM 200 का टारगेट रहता है तो 201 NM लगाएंगे। तो इसे हम जितना अगर संख्या को देखते हुए हम सेशन साइट को बढ़ा देंगे यहाँ पे। सर जिस तरह से कि अगर 18 साल के ऊपर से भीड़ बढ़ती है और कोविड का नियम है उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए हम पुलिस प्रशासन के भी सहयोग लेंगे, बाहर लगा करके उनको रोकेंगे कि भीड़ न करें, कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए लोग एक एक करके आए अपना वैक्सीनेशन कराएं जाएं।